जय हिंद दोस्तों। दोस्तों 11 सितंबर की तारीख दो घटनाओं के कारण ऐतिहासिक है। पहला, 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण दिया था। उसमें पूरब के चिंतन के बारे में पश्चिम को बताया। दूसरा, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा ने आतंकी हमला कर उसे नेस्तनाबूद कर दिया था। इस हमले से 108 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात कही थी कि दुनिया में धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा रक्तपात हुआ है। कट्टरता और सांप्रदायिकता मानवता के सबसे बड़े दुश्मन है। सभ्यता इन्हीं अर्थों के कारण 128 साल गुजर जाने के बावजूद स्वामी जी का वह भाषण सामयिक और प्रासंगिक बना हुआ है। इस भाषण और उसके गुण अर्थों की अब भी लगातार व्याख्या हो रही है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जब भी जिक्र आता है उनके इस भाषण की चर्चा जरूर होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण की शुरुआत करी थी अमेरिका के बहनों और भाइयों। दरअसल उस वक्त मोटे तौर पर महिला और पुरुष को अलग बांटकर देखने की दुनिया आदी थी। इस परिपेक्ष में दोनों को बराबर के दर्जे से नवाजा था। उस वक्त पश्चिम में नारीवादी आंदोलन भी सक्रिय नहीं हुआ था। आधी आबादी का हक उन्हें कभी मिला ही नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में कहा था कि वे ऐसे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सन्यासियों की परंपरा के लिहाज से सबसे प्राचीन है, जिसने दुनिया को धर्म का मार्ग दिखाया है और जो पूरब में ज्ञान का सूरज रहा है। इसके साथ ही यह बात भी कही कि दुनिया में यही ऐसी इकलौती धरती है जिसने सभी धर्मों को जरूरत के वक्त आश्रय दिया है, चाहे वे पारसी हों या यहूदी या फिर कोई और। दरअसल उसके माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की सहिष्णुता और सनातन संस्कृति की बात कही। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में कहा कि दुनिया में धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा रक्तपात हुआ है। कट्टरता और सांप्रदायिकता की वजह से सबसे ज्यादा खून बहे हैं, जिसे हर हाल में रोकना होगा। आज धर्म के नाम पर दुनिया में आतंकवाद को फैलाया जा रहा है और दोस्तों भारत आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित देश रहा है। स्वामी विवेकानंद ने धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में कहा, जबरन दूसरे धर्म को नष्ट करना किसी धर्म का प्रचार करने का तरीका नहीं हो सकता। उन्होंने दुनिया भर के धर्मावलंबियों से धर्मांतरण का विरोध करने और मानवता को प्रतिष्ठित करने की वकालत की। आज दुनिया में बढ़ रही धर्मांतरण कट्टरता के बीच शांति और भाईचारा स्थापित करने की मांग बढ़ रही। यह बात स्वामी विवेकानंद जी ने 128 साल पहले की थी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के इस भाषण के बाद पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का डंका बज उठा था। दोस्तों, इस भाषण के बाद अमेरिका के न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन थी कि हम कितने मूर्ख और अज्ञानी हैं कि हमने भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारकों को भेजा। दोस्तों, अंत में मेरी कुछ लाइनें। रोशनी के कलम से तिमिर का द्वंद लिखता हूँ, हेलो भाई कोई बोले तो मैं जय हिंद लिखता हूँ। अक्सर कहते हैं ये लड़का तो दीवाना है उसका, तो मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।